हेलो दोस्तों, आज हम बैंगन के भरते की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो देखिए, हम दो बैंगन ले लिए हैं। इसमें हम तेल लगा लेंगे, थोड़ा सा हम तेल हाथ में लेकर ग्रीस कर देंगे बैंगन पर, चारों तरफ से ग्रीस करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम चाकू से कट करेंगे बैंगन के बीच में, कि पूरा अंदर तक पक जाएगा। थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको हम अच्छे से पकाएंगे। चारों तरफ से घुमाते रहेंगे इसको, बैगन को। ये देखिए, अब अच्छे से पक गया है। इसको अब निकाल लेंगे। 3 टमाटर हम ले लिए हैं, इसमें भी हम ग्रीस कर लिए हैं तेल का। अब इसको भी मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए, पक जाएगा ये। तो देखिए, हम लहसुन ले लिए, हरी मिर्च ले लिए, 2 प्याज ले लिए छीलकर, और अदरक के टुकड़े लिए हैं, और हरी प्याज ले लिए हैं। अब इसको बारीक बारीक हम काट लिए हैं। अब हम टमाटर और बैंगन को पानी में एक बार रख लेंगे, ये छिलके आसान तरीके से निकल जाएंगे। ये देखिए, एकदम पूरा अच्छे से निकल रहा है छिलका। हल्के हाथ से निकालिएगा, नहीं तो उसके साथ गुदा भी निकल जाएगा। देखिए, पूरा निकल गया। इसको हम थोड़ा सा पानी से धो लेंगे, प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से बैंगन और टमाटर को छील लेंगे। अब इसको जो डंडी है उसको चाकू से काट लेंगे। बैंगन को बीच में से हम कट करेंगे, चारों तरफ से हम चेक कर लेंगे बैंगन, और टमाटर को हम बारीक बारीक काट लेंगे चाकू से। ये देखिए, एकदम हम काट लिए तीनों टमाटर को अच्छे से। अब कढ़ाई गरम करेंगे, हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद से हम चुटकी भर हम हींग डालेंगे इसमें। 2 तेज पत्ते की हम पत्ती डालेंगे, जीरा 1 टीस्पून डालेंगे, बारीक हम लहसुन और अदरक काटे हैं उसको ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स कर देंगे, और उसमें से हम जो हरी मिर्च हम काटे हैं उसको ऐड करेंगे। हम 4 मिर्च लिए हैं। और जो प्याज हम बारीक काटे हैं उसको भी ऐड करेंगे। उसको चला लेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा हल्की ब्राउन करेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, अब भुन गया है। और जो हम हरी पत्ती वाली हम प्याज लिए थे, अब उसको ऐड करेंगे। अच्छे से प्याज भुन चुका है, पक चुका है। उसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून हम डालेंगे, 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हम टमाटर बारीक कटे काट कर रखे थे उसको ऐड करेंगे, टमाटर को। इसको चला लेंगे चारों तरफ से। अब बैंगन भी हम ऐड करेंगे, इसको बीच बीच में कट करेंगे, थोड़ा बैंगन पक जाएगा। मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा दोस्तों, नहीं तो तेज करके पकाएंगे तो जल जाएगा, पकेगा नहीं, अच्छे से स्वाद भी नहीं आएगा, जलने के स्वाद आएगा। तो मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे नमक को। मीडियम फ्लेम पर ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब चेक करेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से पक गया है बैंगन टमाटर, चारों तरफ सब चलाएंगे। देखिए, नीचे लगा भी नहीं है।
अब ये रेडी हो गया है पककर। अब इसमें बारीक कटी हुई हम धनिया ऐड करेंगे ऊपर से। तो ये देखिए बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।